नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी सलीन। डालते हैं आज की खबरों पर। आग का किसानों पर कहर बनकर टूटी सैकड़ों बीघा फसल। विभिन्न कारणों से लगी आग से जलकर नष्ट हो गई फसल। नष्ट होने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। पूरे जिले में आग ने कहर बनकर किसानों के फसल को बर्बाद कर दिया है। वहीं ग्रामीणों की मदद से बहुत से किसानों के खेतों को बचाया जा सका। कहीं कहीं तो फायर ब्रिगेड के लोग पहुँच ही नहीं पाए, जिसमें गाँव के ही लोगों ने अपनी मदद से आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसका भी आग से फसलों को जलने से रोका नहीं जा सका है। आए दिन लग रहे किसानों के फसलों में आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन भी पूरी अपनी कमर कस ली है और लोगों को जागरूक कर रही है कि आग लगने पर जल्द से जल्द जानकारी देने पर आग पर काबू पाया जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश के वैसी शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने आग से हुए फसल नुकसान पर कहा कि गर्मी तेज होने से वह कई स्तरों पर लापरवाही हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं बच्चे खेलते समय माचिसों ज्वलनशील चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं बुझी हुई राख फेंक दे रहे हैं, जिसमें थोड़ी भी आग रह जाती है, जिससे जल्दी से आग लग जा रही है। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, फायर ब्रिगेड पहुंच रही है, आग बुझाने का काम हो रहा है। मैं किसानों से अपील करूंगा कि फसल तैयार है, पहले सारा काम छोड़कर किसान अपनी फसल की कटाई कर ले। जहां भी आग लगने की सूचना मिलती है तो सभी अधिकारियों को निर्देश है, वहीं तुरंत तहसील के अधिकारी, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल पहुंचकर सर्वे कर रहे हैं कि किस किसान की कितनी फसल जलकर नष्ट हुई है, कितना नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं। और मंडी को यह निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा और हम लोग भी स्थानीय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट मंडी पर पहुंच रही, तुरंत सरकार द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति दी जा रही है। जो इस समय जिले में आग बहुत ज़्यादा भयावह रूप ले रही है, कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा, किसान परेशान हो जा रहा, एकदम बर्बाद हो जा रहा आग से। इसको लेकर क्या सरकार के द्वारा क्या पहल किया जा रहा है जिले में? देखिए, एक तो गर्मी बहुत है, धूप तेज है और कई स्तरों पर लापरवाही हो रही है ग्रामीण क्षेत्र में। कहीं कहीं बच्चे खेलते हुए माचिस का और इस तरह की ज्वलनशील चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहीं कोई ऐसी बुझी हुई राख समझ करके खेतों में लोग फेंक दे रहे हैं, उसमें थोड़ी भी आग रह रही है तो उसके कारण से, जो कि फसल पकी हुई है, जल्दी से आसानी से आग लग जाती है, हवा भी तेज चल रही है। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, सूचना मिलती है तो फायर टेंडर पहुंच रहा है, आग बुझाने का काम हो रहा है, लेकिन इतनी तपिश है, इतनी हवा है कि थोड़ी देर में ही ज़्यादा दूर तक आग चली जा रही है। इसलिए मैं तो सबसे पहले अपने किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि सारा काम छोड़ करके फसल तैयार है, कटाई का काम कर लें, और जहां कहीं दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सबको, सभी अधिकारियों को निर्देश है, तुरंत वहां तहसील के अधिकारी, SDM, तहसीलदार, कानून को लेखपाल पहुँच रहे हैं, वो उसका सर्वे कर रहे हैं, किस किसान के कितने खेत में आग लगी है, कितना नुकसान हुआ, उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं। और मंडी को ये निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है, हम लोग भी स्थानीय स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जैसे रिपोर्ट मंडी में पहुंच रही है तुरंत किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति।